ओम अरहम। आज हम लोग दो मुख्य विषय, स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन और दूसरा पैशन मैनेजमेंट यानी कषाय प्रबंधन, इन दो विषयों पर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करें स्ट्रेस मैनेजमेंट की। आज का युग तनाव का युग है, चाहे बच्चे को देखें, चाहे युवा को देखें या बुजुर्ग को देखें, हर व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है। तनाव के कुछ भी कारण हो सकते हैं और उस तनाव से मुक्त होने के लिए व्यक्ति बहुत सारे उपाय भी करता है, जैसे वह नशे की आदत करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, ड्रिंकिंग करने लग जाता है, अफीम खाने लग जाता है, और जब नींद नहीं आती स्ट्रेस के कारण तो नींद की गोलियां भी लेने लग जाता है। तो ये सारे जो उपाय हैं वो व्यक्ति को स्ट्रेस से थोड़ी देर के लिए तो फ्री करते हैं, लेकिन परमानेंट इससे कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्यों होता है और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरीके से हम स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं। सबसे पहले हम समझें स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस इज ए रिएक्शन इन योर माइंड एंड बॉडी टू एन इवेंट इन द आउटसाइड वर्ल्ड दैट अलार्म्स और अराउजेस यू। इस दुनिया में जब भी हमारे प्रतिकूल कोई घटना घटती है तो हमारे भीतर एक प्रतिकूल रिएक्शन होता है, वह हमारे मन और शरीर को प्रभावित करता है और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार जब हमारे शरीर की साम्यावस्था असंतुलित हो जाती है तब व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है। हमारे शरीर के हर अवयव की कार्य करने की अपनी क्षमता होती है, चाहे वो हृदय हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, उनके काम करने की अपनी क्षमता है। लेकिन जब प्रेशर पड़ता है तो उनकी इस कार्य करने की क्षमता में कमी या अधिकता आ जाती है, जिसके कारण जो साम्यावस्था है वो गड़बड़ा जाती है और इस साम्यावस्था के असंतुलन को ही तनाव कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। जब व्यक्ति के भीतर बहुत सारे कामों का प्रेशर पड़ता है तो उस प्रेशर से उसके भीतर एक दबाव महसूस होता है और उस दबाव से वो इतना दब जाता है, इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि वह नींद भी नहीं ले सकता, चिंता में चला जाता है और यह स्ट्रेस अनेक बीमारियों का कारण भी बन जाता है। स्ट्रेस किन कारणों से होता है, मैं आपसे पूछूं कि क्या आप में से कोई स्ट्रेस फ्री है? कोई नहीं होगा। हर व्यक्ति में थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता ही है। और मैं आपसे पूछूं कि आपका स्ट्रेस जो है वो किस कारण से है, तो बहुत सारे कारण मेरे सामने आ सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो हम देखें तो स्ट्रेस का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण बनता है वह है वर्क ओवरलोड। जब हमारे पास काम बहुत होता है, समय कम है, तो व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है। आज की लाइफ भाग दौड़ की लाइफ है और इतने सारे काम उसे करने होते हैं, जब काम पेंडिंग पड़े रहते हैं, समय पे नहीं कर पाता तो व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है। टाइम ओवरलोड, काम बहुत है, समय कम है, तो समय के अभाव में भी जब कामों को पूरा नहीं कर पाते तो भी स्ट्रेस हो जाता है। आज का जमाना इन्फॉर्मेशन का जमाना है, सुबह उठते हैं तब से लेकर के शाम को सोते हैं तब तक न जाने कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है, सुनते सुनते हमारा दिमाग थक जाता है और वो ओवर इन्फॉर्मेशन भी तनाव का कारण बन जाती है। रिक्वायरमेंट ओवरलोड, आज हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि उन आवश्यकताओं को पूरा करने में इतना दम लगाना पड़ता है कि उसके कारण भी हमें बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है। और सबसे बड़ा जो एक कारण हमारे स्ट्रेस का बनता है वो है इलनेस, बीमारियाँ। आज बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक देखें तो न जाने कितनी बीमारियाँ हैं। जन्मजात बच्चा भी स्वस्थ नहीं होता
और सब कुछ जो खाने पीने को मिलता है वो नकली मिलता है, तो स्वस्थता रहेगी भी कहाँ से? तो आए दिन शरीर में इतनी बीमारियां जो हम पर अटैक कर रही हैं, तो वो भी हमारी अस्वस्थता का एक कारण बन जाता है। जैन दर्शन की भाषा में मैं बात करूं तो जैन दर्शन के अनुसार हमारे स्ट्रेस का मूल कारण मोहनीय कर्म है। एक कर्म है, डिल्यूडिंग कर्म, जो हमारे भीतर स्ट्रेस पैदा करता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी इसके बारे में बहुत लिखा और उन्होंने कहा कि हमारे स्ट्रेस का मूल कारण क्रोध, मान, माया, लोभ और हमारे भीतर जो वासनाएं इत्यादि हैं, वे सब हमारे स्ट्रेस का कारण बनती हैं। बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, लाइक यदि बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम हम करते हैं तो वह भी हमारे भीतर स्ट्रेस पैदा करता है। यदि हमारे भीतर चिंताएं बहुत है, ईर्ष्या की भावनाएं हैं, क्रोध के आवेश के भाव हैं, तो भी व्यक्ति स्ट्रेस में चला जाता है। बहुत ज़्यादा सुविधावादी जीवन शैली है तो वो भी स्ट्रेस का कारण बन जाती है। अत्यधिक महत्वाकांक्षाएँ भी स्ट्रेस को जन्म देती हैं। असंतुलित भोजन, स्पाइसी भोजन जो हम करते हैं, वो भी हमारा स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो उसके कारण भी समय पर काम नहीं कर पाते और वो भी एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। जीवन शैली हमारी नियमित नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस का बनता है। संयुक्त फैमिली नहीं है, व्यक्ति अकेला रहता है, तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण बनता है। और सबसे बड़ा कारण जो बनता है वो है हमारा पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब इम्बैलेंस हो जाता है तो वो भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो जितने भी प्रकार के स्ट्रेस हैं, तनाव हैं, उनको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। या तो हमें शारीरिक तनाव होता है, या मानसिक तनाव होता है, या भावनात्मक तनाव होता है। शारीरिक तनाव यानी जब हम बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम कर लेते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लेते हैं, तो हमारा शरीर थक जाता है, शरीर की मांसपेशियों में टेंस तनाव पैदा हो जाता है और वही शारीरिक तनाव कहलाता है। मानसिक तनाव यानी मन से जब हम बहुत सोचते रहते हैं, अननेसेसरी सोचते रहते हैं, बिना मतलब की बातें सोचते रहते हैं, तो सोचते सोचते हमारा दिमाग भी थक जाता है। इतना थक जाता है कि वो एक प्रकार से मानसिक तनाव का रूप ले लेता है। और तीसरा है भावनात्मक तनाव, यानी जैन दर्शन की भाषा में मैं इसे कहूँ तो वो एक प्रकार का हमारा आर्त ध्यान है। जो व्यक्ति आर्त ध्यान ज़्यादा करता है, यानी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया, प्रिय वस्तु का वियोग हो गया, तो उसके अभाव में उसके भीतर जो एक पीड़ा हो जाती है, या अप्रिय व्यक्ति का संयोग हो गया, अप्रिय वस्तु का संयोग हो गया, तो जो उसे पसंद नहीं है तो उसे हम कैसे दूर करें, उसके लिए मन में एक जो संताप पैदा हो जाता है, पीड़ा पैदा हो जाती है, तो वो हमारे भावनात्मक तनाव को पैदा करता है। तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों स्तर पर तनाव होते हैं। इसके अतिरिक्त हम चार प्रकार के तनाव और देखते हैं। एक होता है डिस्ट्रेस यानी दुखद तनाव। जब हमारे जीवन में कुछ दुखद घटनाएँ घटती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो उससे जो तनाव हमारे भीतर होता है उसे दुखद तनाव कहते हैं। दूसरा है सुखद तनाव। तनाव सुखद भी होता है, जैसे कभी कभी कुछ अच्छा काम हमारे लाइफ में होता है, किसी व्यक्ति की नई जॉब लगी है, नई नौकरी लगी है, उसे बहुत खुशी होती है, वहाँ पर भी तनाव है क्योंकि अब काम करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, और बिना स्ट्रेस लाए व्यक्ति एक्टिव भी नहीं रह सकता है, लेकिन वहाँ एक खुशी के कारण ये सब कुछ हो रहा है, तो वह सुखद तनाव है। व्यक्ति कोई साहसिक काम करता है, नई नई शादी हुई है, तो वहाँ पर भी स्ट्रेस एक भीतर में होता है, लेकिन वो सुखद तनाव होता है, एक हाइपर स्ट्रेस होता है। जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हो जाती हैं, बहुत सारे कारण एक साथ मिल जाते हैं, तो उससे जो तनाव हमारे भीतर होता है उसे हाइपर स्ट्रेस, अत्यधिक तनाव कहते हैं। और चौथा होता है हाइपो स्ट्रेस यानी न्यून तनाव। जब कोई काम सामने नहीं है, व्यक्ति बिल्कुल आलसी है, निठल्ला है, कोई काम नहीं, अकेला बैठा है, तो कोई तनाव की आवश्यकता नहीं, तो जितना मिनिमम होना चाहिए बॉडी में स्ट्रेस, उतना भी जहाँ पर तनाव नहीं होता है, तो वो भी एक अच्छी स्थिति नहीं बनती है, तो उसको हम हाइपो स्ट्रेस कहते हैं।
तो मुझे तनाव क्या है और किन कारणों से होती है, इनकी चर्चा विस्तार से नहीं करनी, क्योंकि हम सब जानते हैं हर व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है। तो तनाव क्या है, क्यों होता है, हम सबको पता है। महत्वपूर्ण बात है कि हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगी, और मैं सोचती हूँ जिसे अपना करके, जिसकी प्रैक्टिस करके, प्रयोग करके आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो उपाय है वो है पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी सोच सही हो। यदि हमारी सोच सही है तो हम कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो हमारे सामने, हम उसमें से कुछ अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे सोचेंगे, और वह सिचुएशन हमें स्ट्रेस नहीं देगी। दूसरा जो उपाय है वो है लंबा श्वास। लंबा श्वास लेना सीखें। हमारा श्वास बहुत छोटा होता है, और जहाँ छोटा श्वास होता है वहाँ आवेश आवेग को उभरने का मौका मिलता है, और ये आवेश आवेग हमारे स्ट्रेस के कारण बन जाते हैं। तो हमें लंबा श्वास लेने की आदत डालनी चाहिए। जो व्यक्ति लंबा श्वास लेता है वह स्ट्रेस से फ्री रह सकता है। तीसरा जो उपाय है वो है महाप्राण ध्वनि। हमें महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप स्ट्रेस में हैं तो बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद करके और स्ट्रेट बैठ करके, और महाप्राण ध्वनि भौंरे की तरह गुंजन करें। तो यह ध्वनि हमारे मस्तिष्क को शांत करती है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करती है, और हमारे स्ट्रेस को दूर करती है। इसके साथ साथ सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का प्रयोग, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, हमारी पांचों इंद्रियां बाहर की दुनिया से संपर्क स्थापित करती हैं और बाहर के पदार्थ हमें स्ट्रेस देते हैं। तो यदि हम सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का प्रयोग करें, यानी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयोग करें, तो उससे हम स्ट्रेस से बहुत बच सकते हैं। इसके साथ साथ रेस्ट भी जरूरी है। हम दिन भर काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो काम करते करते हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं, तनाव में आ जाती हैं। तो इसलिए 2-4 घंटा काम करने के बाद आवश्यक है कि हम थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लें। चेंज द वर्क, विषयांतर हो जाना, क्योंकि एक ही विषय में हम लंबे समय तक काम करते हैं तो थकान आ जाती है, स्ट्रेस पैदा हो जाता है। तो एक ही काम को हम बहुत लंबे समय तक ना करें, थोड़ी देर तक उस काम को करें, और जब लगे कि ये काम अब स्ट्रेस दे रहा है, बोर कर रहा है, तो हम अपने काम को चेंज कर लें। तो काम को चेंज करना भी स्ट्रेस से फ्री होने का एक उपाय है। इसके साथ साथ मंत्रों का प्रयोग, एक बहुत पावरफुल मंत्र है, ओम क्षौम क्षौम क्षौम। यदि इस मंत्र का उच्चारण हम करते हैं तो हमारे भीतर ऐसे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं जो हमें स्ट्रेस से फ्री कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत और भी बहुत सारे प्रयोग बताए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है प्योरिफाई द सेल्फ। अपने सेल्फ की शुद्धि करें, चित्त की शुद्धि करें, क्योंकि यदि आपका चित्त शुद्ध है, वहां पर यदि कोई मलिनता नहीं है, तो कोई भी परिस्थिति आपको स्ट्रेस दे नहीं सकती है। और इसके लिए जरूरी है इग्नोर द इंसिडेंट। लाइफ में घटनाएं घटित होती रहती हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों से, उन घटनाओं से हम प्रभावित न हों, ये माने कि ये संसार है, संसार में ऐसा ही चलेगा, इसे वश में करना हमारे कंट्रोल की बात नहीं है, परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते, हम अपनी मनस्थिति को बदल सकते हैं। तो हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश न करें, हम अपने ऊपर कंट्रोल करें और ये सोचें कि दुनिया है, दुनिया में सब कुछ चलता है, इससे मुझे प्रभावित नहीं होना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कंट्रोल माइंड, अपने मन को नियंत्रित करें। ये हमारा मन इतना चंचल है, और जहां चंचलता होती है वहां स्ट्रेस होता है। तो मन को कंट्रोल करें, ये जो अननेसेसरी इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है, इसे कॉन्सेंट्रेट करें। डीप ब्रीदिंग के प्रयोग के द्वारा हम अपने मन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और तनाव मुक्ति का जो सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण जो उपाय है वह है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये 100 रोगों की एक दवा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये हमें हेल्प करती है। तो कायोत्सर्ग, जैसा कि आप कायोत्सर्ग शब्द से ही समझ रहे होंगे, काया प्लस उत्सर्ग, यानी शरीर को छोड़ देना। शरीर को छोड़ देने का मतलब, जब तक हम जिंदा हैं तब तक शरीर को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति है, अटैचमेंट जो है, उसे छोड़ना ही कायोत्सर्ग है।
तो कायोत्सर्ग में हम शरीर के हर पार्ट पर अपने चित्त को कंसंट्रेट करते हैं और उसे रिलैक्स करते हैं। जैसे जैसे हमारा पूरा शरीर रिलैक्स होता है तो वैसे वैसे वहां पर जो तनाव था, जो स्ट्रेस था, वह स्ट्रेस दूर होता चला जाता है। कायोत्सर्ग हम बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं और लेट करके भी कर सकते हैं। तो कायोत्सर्ग एक ऐसा प्रयोग है जो हमें स्ट्रेस से फ्री करता है। यदि शारीरिक तनाव बहुत ज़्यादा है, बहुत काम करते करते आप थक गए हैं, तो 10-15 मिनट आप लेट करके कायोत्सर्ग करिए। नींद लेने से तो उतना थकान दूर नहीं होती है जितना कायोत्सर्ग करने से हो जाती है। इसलिए कहा गया यदि आपको 5-7-10 घंटा रात को जगना पड़ा, नींद नहीं आई, तो आप आधे घंटा अच्छे से कायोत्सर्ग कर लीजिए, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। तो जो शारीरिक तनाव हुआ है उसे दूर करने के लिए कायोत्सर्ग करें, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। इसी तरीके से मानसिक तनाव यदि हुआ है तो हम अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करें। मस्तिष्क जितना रिलैक्स होगा तो उससे हमारा मानसिक तनाव भी दूर हो जाएगा। और भावनात्मक तनाव को दूर करने के लिए आवश्यक है कि कायोत्सर्ग में जो हम भेद विज्ञान की अनुभूति करते हैं, कायोत्सर्ग का अल्टीमेट जो एम है वो है भेद विज्ञान की अनुभूति करना। यानी आत्मा और शरीर ये भिन्न है, इस भिन्नता का जब हमें एहसास होने लगता है तब फिर व्यक्ति भावनात्मक तनाव के स्तर पर नहीं जाता है। तो कायोत्सर्ग जब हम करते हैं तो उससे हमारे भीतर अल्फा वेव्स पैदा होती हैं, और अल्फा वेव्स जितनी ज्यादा मात्रा में पैदा होती हैं, व्यक्ति उतना ही रिलैक्स रहता है, उतना ही स्ट्रेस फ्री रहता है। तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए ये छोटे छोटे जो मैंने आपको उपाय बताए उनका हम प्रयोग करें, और उसके साथ साथ कायोत्सर्ग का प्रतिदिन अभ्यास यदि करें तो मैं समझती हूँ कि जो स्ट्रेस की हमारी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनसे हम फ्री हो सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करने के बाद दूसरी चर्चा मैं करूँगी पैशन मैनेजमेंट की, यानी कषाय प्रबंधन की। क्योंकि आप जानते हैं कि कषाय एक पारिभाषिक शब्द है, एक टेक्निकल शब्द है। कषाय का मतलब होता है जो हमारी आत्मा को कलुषित करे, हमारे विचारों को मलिन करे, हमारे मन को मलिन करे, वह कषाय कहलाता है। और ये कषाय ही स्ट्रेस के कारण बनते हैं। कषाय का मतलब आप समझ गए होंगे, जो हमारी आत्मा को मलिन करते हैं, और वे क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चार कषाय हैं, ये हमें मलिन करते हैं और यही हमारे स्ट्रेस के कारण बनते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से हम देखें, तो भी इन कषायों को कंट्रोल करना आवश्यक है। और स्ट्रेस से फ्री होने के संदर्भ में हम यदि देखें तो भी इन कषायों को कंट्रोल करना आवश्यक है। हम देखते हैं कि हर धर्म दर्शन का अल्टीमेट गोल जो होता है वह है मोक्ष को प्राप्त करना, सब दुखों से मुक्त होना। तो उस मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं हमारे संप्रदाय में आ जाओ, हम तुम्हें ऐसे टिप्स बता देंगे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन आचार्य हरिभद्र ने कहा, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवह। वास्तव में मुक्ति कब होगी? जब हम कषायों से फ्री होंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ को जीत लेंगे, इनको टोटली खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तभी हमारी मुक्ति संभव है। किसी भी धर्म में चले जाएं, किसी भी संप्रदाय में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, भीड़ में चले जाएं, कोई भी वेश धारण कर लें, उससे हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्ति का एकमात्र माध्यम है कषाय मुक्ति, क्रोध, मान, माया, लोभ को जीत लेना, इन पर विजय प्राप्त कर लेना। और इन पर विजय वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। प्रायः होता क्या है, हम कोई भी चीज देखते हैं, प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती उसके प्रति हमारा द्वेष भाव जाग जाता है। तो राग और द्वेष क्षण क्षण हमारे भीतर चलता रहता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय बताया गया कि आप ध्यान करिए। किसका ध्यान करें? आप आंखें बंद करके अपने सामने जिसे भी आप अपना भगवान मानते हैं उनकी इमेज सामने रखिए, उनकी पिक्चर सामने रखिए, या जिसे आप अपना गुरु मानते हैं उनकी पिक्चर आप सामने रखिए, और उनके उस बाह्य शरीर को नहीं, उनके भीतर जो पवित्र आत्मा है उस आत्मा को देखने की कोशिश करें,
और ये संकल्प करें कि जैसे भगवान राग द्वेष से मुक्त हैं, मेरे गुरु जो राग द्वेष से मुक्त होने की साधना कर रहे हैं, वीतराग बन रहे हैं, मुझे भी वैसा ही बनना है। और इसके साथ साथ पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उन पर ध्यान करें। प्रायः हमारी पांचों इंद्रियां बाह्य जगत में रूप रस गंध आदि को देखती सुनती रहती हैं, लेकिन हमें भीतर के जगत में इन्हें कनेक्ट करके भीतर के रूप को देखना है, भीतर के रंग को देखना है, भीतर की स्मेल लेनी है, भीतर के शब्द को सुनना है। तो ये एक प्रयोग ऐसा है जिसके द्वारा हम अपने कषाय को कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कषाय चार प्रकार के होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। और इनकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, क्योंकि गुस्सा है वो सबका एक स्तर का नहीं होता। किसी को हाईएस्ट गुस्सा आता है, किसी को हायर गुस्सा आता है, किसी को हाई गुस्सा आता है, किसी को लो आता है। चार शब्द हमारे सामने हैं, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र और मंद। ऐसे ही अहंकार भी तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र और मंद, माया भी तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र और मंद, और लोभ भी हमारे भीतर जो होता है, किसी के भीतर तीव्रतम लोभ होता है, किसी के भीतर तीव्रतर होता है, किसी के भीतर तीव्र और किसी के भीतर मंद होता है। तो ये चार कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, और इनके भी फिर चार चार प्रकार करने से ये 16 प्रकार हो गए। तो आज मैं आपको विशेष रूप से ये बताना चाहूंगी कि क्रोध, मान, माया, लोभ किन कारणों से व्यक्ति के भीतर होता है और इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। गुस्सा हम सब जानते हैं, हम सबको आता भी है, किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, लेकिन आता तो सबको ही है। गुस्सा क्यों आता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी ने हमें गाली दे दी तो गुस्सा आ जाएगा, किसी ने हमारा इंसल्ट कर दिया तो गुस्सा आ जाएगा, हम किसी से कुछ अपेक्षा रखते थे, उसने हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया तो गुस्सा आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण से हमें गुस्सा आ जाता है। और इसी तरीके से हम देखें तो कुछ इंटरनल कारण भी हैं जिसके कारण भी हमें गुस्सा आ जाता है। बाहर कभी कभी कोई निमित्त नहीं होता है, कोई कारण नहीं, भीतर से अपने आप कोई ऐसा उदय होता है कर्मों का कि हमें गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा भी मैंने जैसे आपको बताया कि चार प्रकार का होता है। एक तीव्रतम गुस्सा होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको इतना तीव्रतम गुस्सा आता है कि एक बार गुस्सा आ गया तो फिर वो जब तक मरते नहीं है तब तक उनका गुस्सा खत्म नहीं होता। गुस्से में आकर एक बार बोलना छोड़ दिया तो सांस जब तक नहीं निकलती है तब तक वे उसकी ओर देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते, उससे बोलते भी नहीं है। तो कुछ लोगों को तीव्रतम गुस्सा आता है जो कभी खत्म नहीं होता। और उसे समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया गया कि ये तीव्रतम गुस्सा कैसा होता है, पत्थर की रेखा के समान। जैसे पत्थर है, पत्थर पे आप कोई लाइन खींच दीजिए तो वो पत्थर पे लाइन हमेशा बनी रहेगी, जिंदगी भर बनी रहेगी, वो लाइन अपने आप मिट नहीं सकती है। तो वैसे ही जो तीव्रतम गुस्सा जिनको आता है वो कभी खत्म नहीं होता है। दूसरा है तीव्रतर गुस्सा, ये भी एक लंबा गुस्सा है, तत्काल शांत होने वाला नहीं है, लेकिन कोई विशेष रूप से उसे समझाए करे तो उस गुस्से को खत्म भी किया जा सकता है। और इस गुस्से को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया गया, जैसे आपने देखा होगा कि नदी की किनारे जो मिट्टी होती है उसमें कभी कभी दरारें पड़ जाती हैं और वे दरारें काफी दिनों तक पड़ी रहती हैं, लेकिन जब वापस बारिश का मौसम आता है, बारिश से वो मिट्टी गीली होती है तो वे दरारें फिर से भर जाती हैं। तो ये सेकंड टाइप का जो गुस्सा है उसका जो टाइम पीरियड बताया गया वो है 1 साल का। और तीसरा है तीव्र गुस्सा, इसका टाइम पीरियड 4 मंथ का है। और ये एक प्रकार से मिट्टी में कोई लाइन खींचे तो एक बार वो लाइन हमें दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका आता है वो मिट्टी मिट्टी वापस मिल जाती है और वो लाइन जो हमने खींची थी वो मिट जाती है, हमें दिखाई नहीं देती। तो कुछ लोगों का गुस्सा ऐसा होता है जो आता है लेकिन 3-4 महीने तक रहता है। और जो चौथा प्रकार का गुस्सा है वो है एक लो गुस्सा, सबसे मंद गुस्सा, ऐसा गुस्सा जैसे पानी की एक बूंद आप उंगली में लेकर के उसकी एक लाइन खींचे, इधर आप लाइन खींचेंगे उधर वो लाइन सूख जाएगी। तो कुछ लोगों का गुस्सा इतना क्षणिक, टेम्परेरी होता है कि एक क्षण के लिए आया और दूसरे क्षण में वो उसको भूल जाते हैं, वापस मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के गुस्सा है। और इन गुस्से को हम कंट्रोल कैसे करें?
हर एक व्यक्ति को गुस्सा आता है और गुस्से को कंट्रोल करना भी बहुत आवश्यक है। तो गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहूंगी। पहली बात है भोजन का विवेक। आप भोजन का विवेक करें कि क्या खाना क्या नहीं खाना। राजसिक भोजन, बहुत ज्यादा स्पाइसी भोजन हमको गुस्से में लाता है। इसके साथ साथ काउंटर फीलिंग का प्रैक्टिस करें। गुस्सा आ रहा है तो क्षमा की अनुप्रेक्षा करें, भावना करें, और गुस्से आने के जो कारण हैं उनको अवॉइड करें। आपको लगता है इनसे बात करने से मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, तो उनसे बात करना छोड़ दीजिए। जहां कहीं जाने से आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो वहां जाना छोड़ दीजिए। और गुस्सा यदि भीतर में कभी आ भी जाए तो उसे सफल नहीं विफल करने की कोशिश करें। मन में गुस्सा आ रहा है तो बोल करके उसे प्रकट न करें, शारीरिक हाव भाव से उसे प्रकट न करें। इसके साथ साथ हमारा ये जो सेंटर है, एनलाइटनमेंट ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग में, यहाँ पर सफेद कलर का प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान करें। इससे हमारा गुस्सा बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकता है। जो शशांक आसन हम करते हैं, एक्सरसाइज है एक जिसका नाम है शशांक आसन। इस आसन को करने से हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो गुस्से को उत्तेजित करने के लिए स्राव छोड़ता है, रसायन छोड़ता है, उस रसायन पर नियंत्रण होता है। तो शशांक आसन भी हमारे गुस्से को कंट्रोल करता है। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें, इससे भी हमारा गुस्सा बहुत कंट्रोल होता है। मंत्रों का प्रयोग करें और अनुप्रेक्षा करें कि मैं क्रोध नहीं करूंगी, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। चिंतन करें, अनुप्रेक्षा करें कि गुस्सा करने से मेरा ही नुकसान है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं। गुस्सा करूंगी तो मेरा हेडेक बढ़ेगा, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा, मेरे सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, मेरे रिलेशंस ब्रेक होंगे, मुझे कोई लाइक नहीं करेगा। तो गुस्सा करने से मेरा ही नुकसान है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं। तो इस प्रकार अनुप्रेक्षा करने वाला अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा जो कषाय है वह है अहंकार, ईगो। ईगो भी सब व्यक्तियों में होता है, थोड़ा सा भी उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो व्यक्ति तत्काल उसका अहंकार दुत्कारने लग जाता है। तो अहंकार भी व्यक्ति के भीतर बहुत होता है और अहंकार आने के भी कई कारण बताए गए। किसी को जाति का अहंकार हो सकता है, किसी की अच्छी फैमिली है तो परिवार का अहंकार हो सकता है, किसी के पास सत्ता है, पावर है, तो उसका भी अहंकार हो सकता है। कोई अच्छा ज्ञानी है, विद्वान है, तो उसे अपने ज्ञान का भी अहंकार हो सकता है। कोई तपस्याएं बहुत करता है, उससे उसका बड़ा मान सम्मान स्वागत होता है, तो उसे उसका भी अहंकार हो सकता है। किसी के पास पैसा बहुत है, समृद्धि बहुत है, उसका भी उसे अहंकार हो सकता है। या व्यक्ति को बहुत प्रॉफिट होता रहता है, बेनिफिट होता रहता है, कोई भी काम करे तो उसके कारण भी उसको अहंकार हो सकता है। तो अनेक ऐसे कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति को अहंकार होता है। और अहंकार के भी चार प्रकार बताए हैं। जो हाइएस्ट तीव्रतम अहंकार होता है वह होता है पत्थर के समान। पत्थर का जैसे आपने पिलर देखा होगा, वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, वैसे ही जो तीव्रतम अहंकार होता है, अहंकारी, तीव्रतम अहंकारी व्यक्ति होता है, वो भले ही मर जाए लेकिन वो झुकेगा नहीं। जो तीव्रतर अहंकार होता है वह होता है हड्डी के लकड़ी, जो हड्डी का टुकड़ा होता है उसके समान। आपने देखा होगा कि जो हड्डी का टुकड़ा होता है वो भी मुड़ता नहीं है, लेकिन एक विशेष स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा उसको मोड़ा जा सकता है। जो तीव्र अहंकार होता है वो होता है लकड़ी के समान। लकड़ियां भी जो होती है वो स्ट्रेट होती है, मुड़ती नहीं, लेकिन थोड़ा एफर्ट करें तो उनको मोड़ा जा सकता है। और जो एकदम मंद अहंकार होता है वो होता है बम्बू के बांस के समान। आपने देखा होगा कि वो बांस की जो छाल होती है वो इजीली बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ये अहंकार के भी चार प्रकार बताए गए। अहंकार पर विजय कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए भी परीक्षा ध्यान के अंतर्गत कुछ टिप्स बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है कंठ का कायोत्सर्ग। चित्त को कंठ पर केंद्रित करें और कंठ का कायोत्सर्ग करें, कंठ को रिलैक्स करें, क्योंकि कंठ हमारे अहंकार का स्थान है। तो कंठ का कायोत्सर्ग करने से हमारे भीतर विनम्रता की भाव आते हैं। दूसरा है जालंधर बंध। बंध का प्रयोग आपने सुना होगा, तो जालंधर बंध में हम ठुड्डी को, जो हमारी चिन्ह है, उसको कंठ पर केंद्रित करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से लंबे समय तक अभ्यास करने से हमारे भीतर विनम्रता मृदुता के भाव पैदा होते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम, हमारे दो स्वर हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। तो ये जो लेफ्ट है नॉस्ट्रिल्स वो हमारा चंद्र स्वर है। चंद्र स्वर से श्वास लेना, चंद्र स्वर से श्वास छोड़ना, इस तरीके से जो हम प्राणायाम करते हैं तो वो भी हमारे अहंकार को कंट्रोल करता है
और सॉफ्टनेस यानी मृदुता की अनुप्रेक्षा करना। तीसरा जो कषाय है वो है माया। जिसके भीतर माया होती है वो छल कपट करेगा, कहेगा कुछ, करेगा कुछ, बोलेगा कुछ, कहेगा कुछ, यानी उसके मन, वचन और शरीर उसमें यूनिफॉर्मिलिटी नहीं होती है। वो सोचता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है। और जो मायावी व्यक्ति होगा उसके भीतर नेम फेम की भावना होगी और वो नेम फेम पाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है, छल कपट माया कर सकता है। तो इस माया के भी चार प्रकार बताए गए, किसी में बहुत तीव्र माया होती है तो किसी में कम माया भी होती है। तो जो तीव्र माया होती है उसको कहा गया कि बांस की जड़ के समान। आपने यदि बांस की जड़ को देखा होगा तो वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसको सीधा नहीं किया जा सकता। और जो हायर माया होती है वो होती है भैंसे के सींग के समान, वो भी बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं लेकिन उतने नहीं जितने की बांस की जड़। और जो हाई माया होती है वो होती है, आपने देखा होगा कि जब गाय चलती है तो वो स्ट्रेट नहीं चलती है, और चलते चलते जब वो यूरिन पास करती है तो वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जैसे बनती है। तो वो तीसरे प्रकार की माया हो गई। और चौथी जो माया है वो है छाल के समान। आपने देखा होगा कि जब कारपेंटर कुछ काम करता है तो वो जो छाल निकलती है उसको आप थोड़ा सा प्रयास करें तो सीधा कर सकते हैं। तो जो ज्यादा मायावी नहीं होती है वो सरलता से अपनी हर बात को स्वीकार कर सकता है। तो माया पर हम कैसे कंट्रोल कर सके, तो इसके लिए पहला उपाय जो बताया गया वो है कि आप तेजोलेश्या का ध्यान करें, क्योंकि तेजोलेश्या के ध्यान से हमारे भीतर सरलता आती है। दूसरी बात, हम सत्य का अभ्यास करें, क्योंकि जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, सत्य की प्रैक्टिस करता है, वो अपनी लाइफ में कभी छल कपट माया नहीं करता है। और तीसरी बात जो है वो हम सरलता की अनुप्रेक्षा करें कि मैं सरल हूँ, मेरा स्वभाव सरल है, मुझे छल कपट नहीं करना है। और चौथा जो कषाय है वो है ग्रीड यानी लोभ। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वे एक प्रकार से लोभ ही हैं। तो पदार्थों के प्रति जो एक अटैचमेंट की भावना है, उनको अधिक से अधिक संग्रह करने की भावना है, उनकी सुरक्षा की जो भावना है, वो सब व्यक्ति लोभ के कारण ही करता है। और कहा गया कि लोहो सव पणासवो, लोभ एक ऐसी चीज है वो सब चीजों का नाश कर देता है। दसवें कालिक सूत्र में कहा गया, कोहो पीम पणासेई मानो विनय नासवो माया मित्ताणि नासेई लोहो सव पणाशनो। क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान मित्रता का नाश करता है, माया सरलता का नाश करती है, लेकिन लोभ सव विनाश, सब चीजों का नाश कर देता है। तो लोभ के भी चार प्रकार बताए गए, जिसमें हाईएस्ट लोभ होता है वो ऐसा होता है कि जैसे मजीठे का रंग, यदि मजीठे का रंग कहीं लग जाए तो कितना ही प्रयास कर ले वो कपड़ा भले फट जाएगा लेकिन वो रंग कभी छूटेगा नहीं। जिसके भीतर हायर लोभ होता है उसको कहा गया कि गाड़ी के खंजन के समान, जैसे जो ग्रीस होती है गाड़ी का, पेट्रोल या खंजन जब लग जाता है तो वो भी जल्दी से साफ नहीं होता, लेकिन एक विशेष स्पेशल प्रोसेस के द्वारा हम उसको साफ कर सकते हैं। और जो तीव्र क्रोध होता है वो कीचड़ के समान होता है, कपड़ों पर यदि कीचड़ लग जाए तो एकदम से पानी से धोते ही साफ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा विशेष प्रयास करें तो उसको हम साफ कर सकते हैं। और जो एकदम मंद लोभ होता है वो हल्दी के रंग के समान होता है। आपने देखा होगा आपके कपड़े पर कभी हल्दी लग जाती है, खाना खा रहे हैं कोई सब्जी नीचे गिर जाती है तो उस पर थोड़ा सा पानी सरफ का लगा करके धूप में खड़े हों, आपका वो हल्दी का कलर बिल्कुल एक मिनट में साफ हो जाता है, बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो जिसका लोभ बिल्कुल कम होता है वो बिल्कुल हल्दी के रंग के समान होता है। तो लोभ पर कैसे कंट्रोल करके, तो इसके लिए भी कुछ उपाय बताए गए कि आप कायोत्सर्ग का अभ्यास करिए। कायोत्सर्ग एक प्रकार से अनासक्ति का अभ्यास है। जितना कायोत्सर्ग होगा उतना ही हमारा जो अनासक्ति का भाव पुष्ट होगा और हमारी लोभ की चेतना कम हो जाएगी, और पदार्थों के प्रति हमारा जो संग्रह की वृत्ति है उसको हम कम करें, और जो पदार्थों से ही सुख मिलता है इस भावना को हम छोड़ें। हमारा वास्तविक सुख तो आत्मा के भीतर है, उस सुख को पाने की जब खोज होगी तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार चीजें ऐसी हैं जो हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में तो बाधक बनती ही हैं, लेकिन यदि ये हमारे भीतर होती हैं तो इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा नहीं बनता, सामाजिक जीवन भी अच्छा नहीं बनता, पारिवारिक जीवन भी नहीं बनता, और स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है। तो आज मैंने मुख्य रूप से दो विषयों की चर्चा की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की और पैशन मैनेजमेंट की।
स्ट्रेस क्या है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है और उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन शैली को चेंज करके और विशेष रूप से कायोत्सर्ग करके हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय हैं, ये हमारे व्यक्तिगत स्तर पर आध्यात्मिक विकास में बाधक बनते ही हैं, लेकिन साथ साथ स्ट्रेस के भी बहुत बड़े कारण बनते हैं। और सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, हर दृष्टि से यदि हम विकास करना चाहें तो वहाँ विकास में भी ये एक बाधक तत्व बनते हैं, तो इन्हें भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। इनके टिप्स मैंने आपको बताए, केवल जानने से जीवन में बदलाव नहीं आता है, अपेक्षा है हम इन प्रयोगों को समझें और करें। इसी के साथ आज की बात मैं संपन्न करती हूँ। ओम।